हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे और हम जा रहे हैं फर्नीचर लेने। फर्नीचर है मेन चीज़, हमें चाहिए बेड, बिकॉज आरिफ ने एक न्यू मैट्रेस ले लिया था जो 14 इंचेस का था, जिसकी वजह से ना हमारा बेड थोड़ा छोटा पड़ गया, तो हम उसके अकॉर्डिंग बेड लेने जा रहे हैं। अभी बस घर से निकल रहे हैं, मार्केट जाएंगे, देखेंगे। कहाँ से लिए थे? यहीं से लिए। वो है तो सामने बेड, वो वाला देखो, वो क्रीम कलर वाला ऑफ वाइट। ये चेयर देखो, कितनी अच्छी लग रही है। यस बेबी, वाओ क्या डाइनिंग टेबल है। मामा, मामा। ये फैब्रिक स्टोर है बेबी, देखो सारे सोफ़ाज की फैब्रिक है ना, सोफ़ा फैब्रिक स्टोर। वाओ, ये चेयर कुछ नहीं है, मुझे कितने की है भाई? हाँ बहुत अच्छा टेबल है ये तो, यहाँ सारे टेबल रखे हैं। वुड विलेज फर्नीचर शॉप के बाद हम गए थे होम सिटी, बिकॉज होम सिटी में भी फर्नीचर काफ़ी अच्छा स्टाइलिश है, तो हम सारे ही ऑप्शन पहले अपने सामने रखना चाहते हैं, देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या चाहिए फाइनली। ज़्यादा स्टोरेज है भी नहीं ना इसमें। यू लाइक दिस चेयर है ना, ये देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। एक मिनट चेयर सेपरेटली भी यूज कर लोगे। डाइनिंग टेबल देखो, 68,000 सिक्स सीटर। मार्बल है नहीं? सेम यही सोफा है हमारा। ये तो वही बनेगा जो आपके। काफ़ी सोचने के बाद हम आए रॉयल फर्नीचर, ये भी शॉप हमारे एरिया में ही है। काफ़ी स्टफ सेम था, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंट थी होम सिटी में, तो हमें होम सिटी के प्राइस और प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे लगे एज़ कम्पेयर टू वुड विलेज। आपको नहीं जाना फर्नीचर लेने हमारे साथ? हमारे साथ नहीं जाना आपको फर्नीचर लेने? नहीं तो आप गाड़ी में रहोगे? मैं ना इतने तो चल के थकूंगा नहीं। अच्छा जी, ठीक है। सीधा आदिल के घर जा रहे हम। आदिल भाई के घर जा रहे हैं हम। डांस कर लो, देखो ना एक बार। डांस कर लो भाई। अभी हमने दो जगह का फर्नीचर चेक कर लिया है, जिसमें कि हमने एक बेड सिलेक्ट भी कर लिया है, बट अभी हम जा रहे हैं गोदरेज इंटीरियो, एक बार वहां पर भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फाइनल डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना है। जी बेबी, क्या हो गया? जैसे कैमरा ऑन करती हुए आपको प्यारा नहीं लगता मेरे ऊपर? तो यहाँ पे दो गोदरेज इंटीरियर हम जा रहे हैं, एक मुठल रोड पे और एक मेन सोनीपत में सेक्टर 14 में। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है गोदरेज इंटीरियर। कम स्टैंडिंग हो रहा है ना। बहुत तेज भूख लगी थी और हम थक भी गए थे, तो हमने सोचा कि बिरयानी पैक करवाते हैं, घर जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा डिसाइड करेंगे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कहाँ से लेना है। तो हम घर आए, सबसे पहले हमने बिरयानी खाई, थोड़ा सा चिल किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, देन फिर हम दोबारा चले गए होम सिटी में, बिकॉज हमें एक बेड होम सिटी पर ही पसंद आ गया था, तो इसलिए सॉफ्ट वाले दिखाओगे मुझे तो आपको देखना है। बेड जिस पे ना आप देख सकते हो 14 इंचेस मैट्रेस अभी कुछ दिन पहले ऑर्डर किया है आरिफ ने, अब उन्हें पता नहीं क्या शौक आया है तो इसकी वजह से ना इसका जो हेड है, ये देखो आप यहाँ पर, ये जो हेड वाला एरिया है ना, ये पूरा ही मैट्रेस की वजह से पूरा कवर हो गया है। और ये प्रेसिडेंट साइज़ पिलोज़ भी चाहिए थे इनको, तो 4 पिलोज़ ऑर्डर किए थे हमने अमेज़ोन से, और ये मैट्रेस भी अमेज़ोन से ही ऑर्डर किया था। तो ये सारी चीज़ें
बहुत ज़्यादा शौक है आरिफ को करने का, तो इसकी वजह से ना ये इस बेड का पूरा लुक ख़राब हो रहा है इस मैट्रेस की वजह से। इस मैट्रेस के अकॉर्डिंग हमें न्यू बेड लेना है क्योंकि इस मैट्रेस की वजह से पूरा लुक ख़राब हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं न्यू बेड लेने और हम मैट्रेस के अकॉर्डिंग ही लेंगे ताकि ये पूरा लुक आ सके। ये सारे काम ख़राब करे हैं पता है किसने? आरेज ने ये सारे काम ख़राब करे हैं। बिकॉज अभी एक से दो बार जब हम गए ना कहीं कहीं घूमने शिमला मसूरी, तो पहले तो आरिस को इतना मतलब इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। अब आरिस को धीरे धीरे ना हर चीज़ें नोटिस करता है वो, और उसने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है कि होटल्स में बेड कितने अच्छे होते हैं, मैट्रेस कितने अच्छे होते हैं, पिलोज, मेरे को हर चीज़ होटल रूम वाली चाहिए। तो आज भी मॉर्निंग में आरिस ने उठते ही ना, मतलब कोई ड्रामा कोई नाटक नहीं था, मे बी उसने कोई सपना देखा होगा, तो जैसे ही वो उठा ना वैसे उसने उठते ही रोना स्टार्ट कर दिया। अब मैं उसको देख रही हूँ क्यों रो रहे हो, मुझे लगा कोई बुरा सपना देखा होगा, तो पता नहीं क्या देखा। उससे जब पूछा आरिफ ने आके, मैंने आरिफ को बोला, मैं कहा भाई आप ही मनाओ, आपका बेटा है, मेरे से नहीं मानता, तो बस रो ही जा रहा है। आरिफ ने पूछा तो कहता है कि मेरे को शिमला होटल जाना है, रो रो के बोल रहा है कि मेरे को शिमला होटल जाना है। तो आजकल ना आरिफ के ये बहुत ड्रामे हो रहे हैं, मतलब उसे ये लगता है शिमला होटल एक दिन में तो चले जाते हैं, तो क्यों नहीं जाते डैडा, हर हफ्ते उसे शिमला होटल जाना है सैटरडे संडे। अब ऐसे कितना और कब तक घूमते रहेंगे हम, तो इसलिए उसकी बातों को भी अवॉइड करते हैं। बट आरिफ ने सोचा जब होटल रूम, और वहां जाके पता क्या बोलेगा, होटल रूम से बाहर नहीं निकलना मुझे, कहीं मत जाओ बाहर निकल के, मुझे रूम में रहना है, ब्लैंकेट ओढ़ना है और पिलोज पे बस लेटे रहना है और अपना फोन में गेम खेलनी है। पता नहीं उसे होटल की वाइब कितनी अच्छी लग रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम पूरा अपना बेडरूम ही होटल रूम की तरह चेंज कर देते हैं, तो उसको यहीं पर ही अच्छा लगेगा, बार बार जाने की जिद नहीं करेगा। बट मुझे पता है जिद तो वो करेगा ही, मानने वाला नहीं है। और ये हाई प्रेशर कार वॉशर ये आज ही डिलीवर हुआ है, और आरिफ को ये अतरंगी सी चीज़ यूज़ करने में इतना मज़ा आ रहा है, पूरी कार वॉश कर दी है ये देख सकते हैं आप, पूरी घास उखाड़ दी है, पूरी मिट्टी हटा दी है ज़मीन पे से, इतने एक्सपेरिमेंट इस पे कर देखे हैं कि बस पूछो मत। क्या कर रहे हो? ये आरिस अब नहाया है, आरिस के डैडा ने नहलाया आरिस को, तो मैं बुला रही हूँ आ जाओ कपड़े पहना दूँ, आओ मॉइस्चराइजर लगाऊँ, बॉडी लोशन लगाऊँ, आ जाओ। ये उस रूम में हमने बेड हटा दिया है, तो जो मैट्रेस था ना पुराना वाला 8 इंचेस का वो पड़ा हुआ है। अब पता नहीं क्या क्या घर में से चेंज होगा ना, ये मुझे भी नहीं पता। ये देखो सोफे की हालत आरिस ने क्या की हुई है, ये ना चाकू मार दिया आरिस ने, तो हमने इसके ऊपर टेप लगाया ताकि ये ज़्यादा ना फटे, बट उस टेप का स्टेन बन गया इसके ऊपर ना। फिर मैंने अमेजोन से एक लेदर पैच भी मंगाया था इसके ऊपर पेस्ट करने के लिए, वो भी सही से काम नहीं किया, वो भी निकल जाता था। और इधर से भी पता नहीं इसका मटेरियल कैसा था, पूरा का पूरा फट सा रहा है, पता नहीं क्या कैसा मटेरियल है क्या है। हमने ये भी होम सिटी से ही मंगाया था, बट ये मंगवाया फ्लिपकार्ट से था, सेम यही डिज़ाइन होम सिटी का, होम सिटी पे हमारे वाले सोफे का था। आज आरिस को होमवर्क नहीं मिला था, उसके पास कुछ करने को नहीं था, तो मैंने सोचा मैं उसको कलर करवा देती हूँ फ्लावर्स में बलून्स में। तो ये मेरे पास एक वर्कशीट बुक है, ये मैंने अमेजोन से ली है, जब भी आरिस को होमवर्क नहीं मिलता है तो मैं इसमें कुछ ना कुछ काम करवा देती हूँ। फिर आप इससे खेलते रहोगे, खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे ना। नींद आ रही, हाँ बटन ऑन होगा। हम आ गए हवाई अड्डा ढाबे पे, बिकॉज आज मैंने खाना नहीं बनाया है ना। तो बाहर आए हैं हम खाना खाने, आज कल ऐसा लग रहा है पूरा दिन बाहर ही बाहर हो गया है, घूम घूम के परेशान है ना, सारे काम हो गए ना, चलो जल्दी से बाहर निकलो, डैडा गुस्सा करेंगे नहीं तो। चलो किस वाले डोर से चलेंगे, उस वाले से भी अंदर चलेंगे, फेस पर ही थकावट दिख रही है इतनी ज़्यादा मेरे, तो नींद आ रही है इतनी गंदी वाली। इवनिंग में वैसे हमने कुछ खा लिया था, थोड़ा सा खाना और खाएंगे, इसलिए हम आए हैं हवाई अड्डे ढाबे पे। बेबी
बहुत खुश, बहुत ही खुश। क्या हो रही है? और ये देखो सेम पोज में दोनों वॉक कर रहे हैं। आरिज आरिफ का बिल्कुल कॉपी है, सारे स्टाइल बिल्कुल सेम रहते हैं। ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये नेचुरली सारे स्टाइल ये कॉपी करता है अपने डैडा के। आज भी लगाओगे क्या पहन? ये क्या है? माई हवाई अड्डा। वाओ यार, यहाँ पे तो अच्छी पिक्चर आएगी ना। अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है ना। एंट्री है इसकी, एक उस वाले एरोप्लेन के लिए, एक इस वाले एरोप्लेन के लिए। आ जाओ, क्रॉक्स पहनो बेबी, एंट्री का टाइम हो गया। भाई आज तो बाल एकदम चंपू वाले हो रहे हैं। आज तो बड़ी जल्दी एंट्री मिल गई यहाँ पे, है ना। मुझे तो लगा था वेटिंग होगी, वेटिंग थी 25 मिनट्स की, बट फिर भी हमें आते ही एंट्री मिल गई। तो हम जा रहे हैं अंदर डिनर करने। बेबी वेयर आर यू गोइंग बेबी? हाँ मस्त तो बहुत है यहाँ से, दिख रहा है कुछ आपको? चलो चलो चलो, डाटा गए। क्या बोलो ना, किसको चंपकली बोला है आपने? छोले चावल ठंडी बंद ऐसे बोलना बहुत मारूंगी क्या? राजमा चावल ये खाओगे हम यहाँ? इसकी प्लेट में डालो ना ये। क्या? Am I wrong? तो ये हमने ऑर्डर किए थे मोमोज, यहाँ का सब कुछ काफ़ी अच्छा था, पिज़्ज़ा मोमोज और कड़ी चावल सारी चीज़ें ये अच्छी थी। टेस्ट में काफ़ी अच्छा था, इवन कॉफ़ी भी अच्छी थी। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ मोमोज फॉक से, फिर उसके बाद मैं फॉक रख दूँगी, बिकॉज मुझे खाने में हाथ से ही मज़ा आता है। इतना गर्म था कि पकड़ा भी नहीं जा रहा था। कौन से सॉन्ग पे ऐसे बिकता है? क्योंकि उसके यहाँ से रिस्ट से निकलता है, वो बस फिंगर्स ऐसे करता है और ऐसे करता है ना, निकलता है। हाँ यहाँ से निकलता है, यहाँ से। क्या हो गया? What is this? Yes.